सो हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका पंजाब में दोस्तों, और आज मैं आपको पंजाब लेकर आ चुका हूँ ये दिखाने के कितना कुछ काम हुआ है दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे पे, और आज इसी का काम देखने वाले हैं पंजाब से। वैसे मैं आपको बताऊं तो पंजाबी खाने और पंजाबी गाने दोनों फेमस है, अब पंजाब में बनाए जाने वाले एक्सप्रेसवे भी फेमस हो जाएंगे। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर एक्सप्रेसवे का काम किया जा रहा है और वही मैं आपको दिखाने लाया हूँ। सो वेलकम टू पंजाब मेरे दोस्तों। जो मैं आपको लेकर आ चुका हूँ ये जगह है नकोदर, और नकोदर शहर से 10 किलोमीटर दूर इस वक्त मैं खड़ा हूँ जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का। पहले आपको बताता हूँ कि क्या है ये पूरा प्रोजेक्ट, उसके बाद दिखाता हूँ कि क्या कुछ इस पर काम किया जा रहा है, और इनफैक्ट यहाँ पर इसके दो महत्वपूर्ण हिस्से का काम आपको देखने को मिलेगा। तो चलो दोस्तों पहले जानते हैं कि क्या है ये पूरा प्रोजेक्ट। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे जो कि 670 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे होने वाला है, जो कि होकर गुजरेगा हरियाणा, पंजाब और जम्मू से, जिस पे 4 लेन बनाया जा रहा है जिसको कि 8 लेन तक कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। ये पूरी तरीके से एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे होने वाला है। इस एक्सप्रेसवे को 40,000 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद दिल्ली से कटरा तक की दूरी 6 घंटे में तय की जा सकती है, जो कि फिलहाल 14 घंटे लगते हैं, और दिल्ली से अमृतसर की दूरी 4 घंटे में तय की जा सकती है, जो कि फिलहाल 8 घंटे लगते हैं, और इस एक्सप्रेसवे पे स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर प्रति घंटे का होने वाला है। इस एक्सप्रेसवे पे हर कुछ किलोमीटर के बाद वे साइड एमिनिटीज बनाए जाएंगे, जिसमें ट्रॉमा सेंटर से लेकर हॉस्पिटल, मोटल, होटल तक की फैसिलिटी मिलेगी, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए चार्जिंग स्टेशन और फ्यूल स्टेशन की भी फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। इस एक्सप्रेसवे का काम सन 2021 में स्टार्ट हुआ है और इस प्रोजेक्ट का डेडलाइन 2025 का है। इस 670 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे पे 11 इंटरचेंज बनाए जाएंगे, 14 ROV रेल ओवर ब्रिज का निर्माण किया जाएगा, 11 फ्लाईओवर, 6 मेजर ब्रिज बनाए जाएंगे, और ये एक्सप्रेसवे हरियाणा में ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे को भी कनेक्ट करेगा, जिसके ऊपर इंटरचेंज बनाया जाएगा। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जगह, क्योंकि इस जगह पर दो प्रोजेक्ट का काम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर वैसे अगर आप देखोगे तो ये है दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का मेन अलाइनमेंट, जिसके ऊपर कंपनी काम कर रही है MKSC। तो ये इस तरफ जब आप जैसे ही नहर को क्रॉस करोगे तो उसके बाद दिखेगा कि मेन अलाइनमेंट पे स्ट्रक्चर वर्क का जो काम है वो तो लगभग कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर अर्थवर्क का काम किया जाना, और इनफैक्ट अच्छा खासा अर्थवर्क का काम अभी किया जाना है। ये है दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे का पैकेज नंबर 10, और इस जगह पर अगर आप देखोगे तो पिलर बनाया जा रहा है। पिलर इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर ना एक नहर है, उस नहर को इसको क्रॉस करना है, और इस नहर को क्रॉस करने के लिए यहाँ पर एलिवेटेड पार्ट यानी कि फ्लाईओवर का हिस्सा बनाया जाएगा। बीच में इस जगह पर ये देखो, ये जो है ना, ये यहाँ पर नहर है, और इसी नहर को बेसिकली इसको क्रॉस करना है। तो नहर के दूसरी तरफ अगर आप देखोगे जब आप कटरा की तरफ, तो उस तरफ पिलर बनकर तैयार हो चुका है, पिलर कैप का भी काम हो चुका है। लेकिन इस तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पिलर तो बन चुके हैं, लेकिन यहाँ पर पिलर कैप बनाने की तैयारी की जा रही है। इसी वजह से फ्रेम सेटअप करते हुए आपको टीम नजर आ जाएगी। और ये है भाई नहर, इसी नहर को बेसिकली क्रॉस करना है। अच्छी खासी चौड़ी नहर है ये, और इस जगह पर वैसे अगर आप देखोगे तो ये देखो, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि पिलर बनकर तैयार हो चुके हैं। अब इस पर क्या ना आई गर्डर्स डालेंगे ताकि एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट किया जा सके। अब इस जगह पर वैसे ये नहर के ऊपर टेम्परेरी रोड बनाया ताकि कंस्ट्रक्शन की जो गाड़ियाँ हैं वो जा आ सके जब तक कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो जैसे ही कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो उसको हटा देते हैं, तो एज इट इज़ ये नॉर्मल हो जाएगा, और एक्सप्रेसवे तो इस एलिवेटेड पार्ट की मदद से ऊपर से गुजर जाएगा यहाँ से। इस जगह पर वैसे देखोगे तो आई गर्डर्स भी बनकर तैयार हो चुके हैं, जिस आई गर्डर्स की मदद से एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने वाले हैं। यहाँ पर वैसे देखोगे तो ये स्ट्रक्चर है जो कि बनकर तैयार हुआ है, एलिवेटेड पार्ट में यूज़ किया जाएगा। तो अभी उसके ऊपर ना तराई किया जा रहा है, मतलब वाटर का छिड़काव किया जा रहा है, जिससे कि ये अच्छी तरीके से सेट हो जाए। और यहीं पर साथ साथ इसको टीम बना भी रही है, तो जैसे ही ये सरिये का जाल तैयार कर देंगे, इसके बाद इसमें कंक्रीट का मसाला डालेंगे, और फिर कुछ इस तरीके का बनकर तैयार होगा जहाँ पर सामने ये जो आप देख रहे हो। और इस जगह पर ये रहा आई गर्डर्स, जिस आई गर्डर्स की मदद से ना एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने वाले हैं। सामने यहां पर आपको एक NH भी दिखेगा, जिसे कि कहते हैं NH 703,
और एक्चुअली में मैं आपको बताऊं तो इस जगह से ही अमृतसर के लिए एक जो नया रूट बनाया जा रहा है जिसको स्पर बोलते हैं, उसका काम आपको होता हुआ नजर आ जाएगा, जिसके ऊपर भी कंपनी काम कर रही है एमकेसी। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो ये अलाइनमेंट है जो कि मेन अलाइनमेंट है, और इसी अलाइनमेंट से लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखाऊं तो यहाँ से आपको एक स्पर दिखेगा जो कि सीधा आपको अमृतसर से कनेक्ट करेगा। एक्चुअली में मेन अलाइनमेंट जो है वो डायरेक्टली अमृतसर से होता हुआ नहीं जा रहा है, स्पर एक बनाया जा रहा है। तो आपको मैं स्पर वाले हिस्से पे पहले काम दिखाता हूँ। ये देखोगे तो ये है NH, जिसे कि NH703 बोलते हैं, इसी NH से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर एक्चुअली पिलर का हिस्सा बनाएंगे जिसकी मदद से इंटरचेंज बनाया जा सके। तो पिलर बनाने के लिए अभी जो पाइलिंग वर्क का काम है वो आपको नहीं दिखेगा, और जब पाइलिंग वर्क का काम हो जाएगा तो उसके बाद फिर ये पिलर का फाउंडेशन तैयार करेंगे और फिर पिलर बनाएंगे। लेकिन पिलर को कनेक्ट करने के लिए आपस में जो आई गर्डर का इस्तेमाल करते हैं वो यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करके रख लिया गया है, और अच्छी बात है क्योंकि ये जो आई गर्डर्स होते हैं इनको सेट करने के लिए अच्छा खासा टाइम चाहिए होता है, तो इसी वजह से पहले ही कंपनी ने इसको कंस्ट्रक्ट करके रख लिया है ताकि इसकी जो स्ट्रांगनेस है वो ज़्यादा ही रहे, कम तो ना रहे। अब यहाँ पर वैसे देखेंगे तो ये जो NH है, NH को क्रॉस करने के बाद आपको जरूर देखेगा कि अलाइनमेंट के ऊपर अर्थवर्क का जो काम किया जाना है वो जरूर स्टार्ट कर दिया जा चुका है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूँ कि ये जो एक बनाया जा रहा है इस पर, ये भी जमीन से 10 से 15 फीट ऊपर होने वाला है, और ये भी से मेरा मतलब है कि जो दिल्ली कटरा का जो मेन अलाइनमेंट है वो भी जमीन से 10 से 15 फीट ऊपर ही होगा, क्योंकि ये पूरा ग्रीनफील्ड का अलाइनमेंट है। मतलब ये पूरा नया एक रोड बना रहे हैं, तो इस वजह से हर चीज़ यहाँ पर नया बनेगा, चाहे वो व्हीकल अंडर पास हो, ड्रेनेज हो, या फिर आपको फ्लाईओवर हो, रेल ओवर ब्रिज हो, सब कुछ नया बनेगा। तो इसी वजह से उसी का काम होता हुआ आपको नजर आएगा, और इस तरफ आगे जाएंगे तो यही अलाइनमेंट आपको सीधा जाकर अमृतसर से कनेक्ट कर देगा। वैसे मैं आपको बता दूं ये जो दोनों हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूं, जो मेन अलाइनमेंट है और जो हिस्सा है स्पर का जो कि अमृतसर से आपको कनेक्ट करता है, ये नकोदर जो शहर है उससे 10 किलोमीटर आप आगे जब आप आओगे तो आपको ये दिख जाएगा जहां पर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, जहां से ये दोनों स्टार्ट हो रहे हैं। इनफैक्ट स्टार्ट ही कह सकते हैं क्योंकि आपको NH703 से भी कनेक्टिविटी मिलेगी इस दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे पे। अब जब आप NH को क्रॉस करके इस तरफ कटरा की तरफ आगे बढ़ोगे तो दोस्तों आपको दिखेगा कि यहां पर जो NH है ना, इस पे पिलर निर्माण का जो कार्य है वो किया जा रहा है, और पिलर इसलिए बनाया जा रहा है ताकि एलिवेटेड हिस्सा बनाया जा सके, फ्लाईओवर का हिस्सा बनाया जा सके, जिसकी मदद से ये जो एक्सप्रेसवे है इसका जो मेन एलिमेंट है ये क्रॉस कर सके इस जगह पर, इस हाईवे को। और उसके अलावा अगर आप देखोगे तो पिलर निर्माण का तो कार्य हो चुका है, पिलर कैप का भी काम आपको दिखेगा जो कि हो चुका है, और वैसे यहां पर देखोगे तो टीम भी काम करते हुए आपको नजर आ जाएगी इस वक्त पे सुबह सुबह भी। जी हाँ, जैसे ही इस हाईवे को क्रॉस करके आगे की तरफ बढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि ये पूरा एक्चुअली ग्रीन फील्ड का ही हिस्सा है, तो इस पे अर्थवर्क का अच्छा खासा काम करना है, मिट्टी डालनी है, और उसी की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। इनफैक्ट इधर भी अगर आप देखोगे तो स्ट्रक्चर वर्क का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। ये यहाँ पर जो देख रहे हो ये है कास्टिंग यार्ड, एक्चुअली ये कमांड सेंटर है उस कंस्ट्रक्शन कंपनी का जो कि इसका कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है, जो कि है MKC। तो इस कास्टिंग यार्ड में ही सब कुछ जो मटेरियल है वो तैयार किया जाता है ताकि स्ट्रक्चर तैयार किया जा सके, और टीमें भी यहीं से कोऑर्डिनेट करती हैं, तो इसलिए मैंने आपको बोला है कि ये कमांड सेंटर भी है। अब इस कास्टिंग यार्ड में वैसे आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर्स भी दिख जाएंगे जो कि यहाँ पर तैयार किए गए हैं। कास्टिंग यार्ड से मेरे भाई जब आप आगे की तरफ बढ़ोगे तो फिर आपको देखेगा कि इस जगह पर अच्छा खासा यहाँ पर स्ट्रक्चर है जो कि तैयार कर लिया जा चुका है, और इनफैक्ट ये वाला स्ट्रक्चर देख रहे हो क्योंकि यहाँ पर एक छोटा सा रोड है उसको ये क्रॉस कर रहा है, तो उस रोड को क्रॉस करने के लिए यहाँ पर व्हीकल अंडर पास बनाए गए हैं ताकि एक्सप्रेस वे रोड के ऊपर से चला जाए, और व्हीकल अंडर पास जिसकी मदद से ये रोड को जो व्हीकल यूज़ करेगा वो अंडर पास की मदद से एक तरफ से दूसरी तरफ जा सके। और जब इससे भी आप आगे बढ़ोगे तो आपको अर्थवर्क का काम दिखेगा, और इनफैक्ट अलाइनमेंट के ऊपर अब तैयारी की जा रही है लेन बनाने की भी। ये वाला जो हिस्सा देख रहे हो तो यहाँ पर लेन बनाने की तैयारी की जा रही है ताकि एक्सप्रेसवे बनाया जा सके, जिसे कहते हैं दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे। तो ये तो था दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे का काम। अब आपको इसके एक और हिस्से का काम दिखाता हूँ।
क्योंकि आपको मैं बता दूं कि ये जलंधर को भी कनेक्ट करेगा लेकिन डायरेक्ट नहीं। तो अगर डायरेक्ट नहीं करेगा तो कैसे करेगा, तो वो भी आपको दिखाता हूँ। चलो अब ये जिस जगह पर मैं आपको लेकर आया हूँ भाई, इस जगह पर काम किया जा रहा है उस अलाइनमेंट के ऊपर जो कि आपको कनेक्ट करेगा जलंधर से। और इसी जगह पर सामने देखेंगे तो 703 जो NH है जिस पर मैं ड्राइव करके आया हूँ यहाँ पर, उसी से ये स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरफ है NH जिसकी मदद से आप लेफ्ट लोगे तो आप जा सकते हो जो दिल्ली कटरा का मेन अलाइनमेंट है। जी हाँ, और इस तरफ है NH 44 जहाँ पर जाकर ये इस पर कनेक्ट होगा और फिर उसके माध्यम से आप जलंधर को आसानी से जा सकते हैं या फिर जलंधर से कनेक्ट कर सकते हैं दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे पे। तो पहले बात इस तरफ की कर लेते हैं। वैसे आगे देखोगे तो ये जो NH है, NH से पहले अभी फिलहाल अलाइनमेंट के ऊपर कंस्ट्रक्शन का जो काम है आपको कुछ खास देखने को नहीं मिलता है। अभी अच्छा खासा काम किया जाना है क्योंकि यहाँ पर अर्थवर का काम किया जाएगा और इनफैक्ट यहाँ पर अगेन ये हाईवे से तकरीबन 10 से 15 मीटर ऊपर होने वाला है, तो इसीलिए यहाँ पर अच्छा खासा अर्थवर का काम किया जाएगा। और उसी की तैयारी अगर आप देखोगे तो की जा रही है। इन अलाइनमेंट का जो रास्ता है, जिस तरीके से अलाइनमेंट जाएगा वो तो आपको दिखेगा पूरी तरीके से, लेकिन अभी कंस्ट्रक्शन का खास कोई काम आपको देखने को नहीं मिलता है। वैसे ही अगर आप देखोगे तो इस पॉइंट पर जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना, तो यहाँ पर भी एक रोड है जिस रोड को ये क्रॉस करेगा, तो क्रॉस करने के लिए ना यहाँ पर व्हीकल अंडर पास बनाया जाएगा। ज़्यादा बड़ा रोड तो नहीं, सिर्फ एक लेन का ही रोड है क्योंकि गाँव को कनेक्ट करता है ये। तो उस पर अभी फिलहाल स्ट्रक्चर वर्क का जो काम है वो आपको नहीं दिखेगा क्योंकि अभी यहाँ पर स्ट्रक्चर वर्क का जो काम है वो स्टार्ट नहीं हुआ है। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आपको काम दिखेगा तो ये वॉल का दिखेगा। ये वॉल इसलिए बना रहे हैं ताकि यहाँ पर एक्सप्रेसवे जो है वो बनाया जा सके। और दोनों तरफ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वैसे ये बहुत सारे केबल्स हैं, ये देख लो इलेक्ट्रिसिटी के, इनको भी हाइट करने का जो काम है वो किया जाएगा। और उसी की तैयारी भी देखोगे तो स्टार्ट हो चुकी है। ये देखिए, ये देखो, ये यहाँ पर नया इलेक्ट्रिसिटी का खंभा इंस्टॉल करने की तैयारी की जा रही है। उसका फाउंडेशन तो तैयार हो चुका है, अब पूरा स्ट्रक्चर लाएंगे और उसको यहाँ पर सेटअप कर देंगे। और जैसे ही ये स्ट्रक्चर सेटअप हो जाएगा, दैट्स मीन्स कि ये जो वायर है इसकी हाइट और भी ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी मदद से एक्सप्रेसवे का जो काम है वो आसानी के साथ किया जा सकता है। और इसके अलाइनमेंट के बीच में बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी के खंभे हैं, देख लो, इन सभी को हटाना है भाई। और ये वॉल है, इस तरफ जाओगे तो जलंधर जा सकते हो। चलो इस रोड पर भी ड्राइव कर लेते हैं जो कि जलंधर सिटी को हमें कनेक्ट करेगा, मतलब NH 44 को। अब मुझे ये नहीं पता कि कितना ड्राइव कर सकता हूँ मैं, क्योंकि मैंने हाईवे की तरफ तो आपको दिखा दिया है, अब हाईवे से इस तरफ चलते हैं। सच बता रहा हूँ, वैसे पंजाब में पहली बार मैंने किसी प्रोजेक्ट को कवर किया है, लेकिन यकीन मानो क्रिएटिविटी के मामले में ना पंजाब का जवाब नहीं है भाई, सच में। वैसे भी जब आप एक्सप्रेसवे बन जाएगा और उसकी मदद से आप कम टाइम में पंजाब तो आ ही सकते हो, तो आपको ये क्रिएटिविटी दिख जाएगी भाई कि मैं किस क्रिएटिविटी की बात कर रहा हूँ। जैसे कि कार मॉडिफिकेशन,
कमाल का इनका टेस्ट होता है भाई, मतलब ऐसा लगता है कि इनको पता है कि क्या कराना है गाड़ी में मॉडिफाई। और दूसरा इनके घर, और घर के ऊपर भी एक क्रिएटिविटी होती है भाई, जो वाटर टैंक देखोगे ना वो तो नेक्स्ट लेवल होता है भाई। मौका मिलेगा तो दिखा दूंगा किसी दिन, लेकिन वैसे बड़ा मज़ा आता है। और वैसे भी वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा ही था कि पंजाबी खाने और पंजाबी गाने की तो बात ही अलग है भाई, इसके आसपास कोई है ही नहीं। वैसे ये जो रास्ता जिसमें मैं ड्राइव कर रहा हूँ ये अलाइनमेंट का ही रास्ता है दोस्तों, मतलब इधर से ये अलाइनमेंट जाने वाला है। अभी फ़िलहाल देखोगे तो ये रास्ता टेढ़ा मेरा है, लेकिन अलाइनमेंट तो ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट ही रहेगा, तो जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो मेरा बहुत कम टाइम लगेगा ट्रैवल करने में, लेकिन अभी फ़िलहाल इनिशियल स्टेज में है तो इसलिए अच्छा खासा टाइम लगने वाला है मुझे इस पर ड्राइव करने के लिए। यहाँ पर एक सामने देखोगे तो एक रोड है, उस रोड को क्रॉस करने के लिए व्हीकल अंडरपास बनाया जाएगा, और उस व्हीकल अंडरपास की बनाने की तैयारी यहाँ पर जोरों शोरों से की जा रही है। व्हीकल अंडरपास से पहले अगर आप देखोगे तो रैंप का जो हिस्सा होने वाला है उसका जो आरी वॉल लगाना है, ये जो कंक्रीट का एक स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे जिससे वॉल बनकर तैयार हो जाएगा, तो उसका काम किया जा रहा है, और इसके बीच में फिर मिट्टी डालने का काम किया जाएगा। और क्या मैं इस रोड से आगे की तरफ जा सकता हूँ? नहीं, मैं स्ट्रेट ही चलता हूँ। और जैसे ही इस वैसे रोड पर आओगे ना तो यहाँ पर देखो एक बोर्ड भी दिखेगा आपको, जो कि लिखा गया है कि कंस्ट्रक्शन क्या कुछ किया जा रहा है और किस वजह से किया जा रहा है। ये देखो यहाँ पर NHI भी लिखा हुआ है। छोटा सा रोड है जैसा कि मैंने आपसे कहा, तो ये व्हीकल जा रहा है, और ये यहाँ पर कंपनी का नाम लिखा हुआ है KCPL NHI की परियोजना, और ये इसी तरफ एरो इशारा कर रहा ना, मतलब इसी तरफ ये जाने वाला है, और हमें और आपको भी इसी तरफ जाना पड़ेगा, लेकिन मैं इस तरफ अब जा नहीं सकता, यहाँ से मुझे लेफ्ट ही लेना पड़ेगा, इसी छोटे वाले रोड को होते हुए मुझे आगे की तरफ जाना पड़ेगा। इससे पहले मैं मैप देख लेता हूँ। तो वैसे मुझे लेफ्ट लेकर फिर अलाइनमेंट पे कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आगे एक रोड है जिसको कि ये क्रॉस कर रहा, तो उस रोड को क्रॉस करने के लिए ना बेसिकली वहाँ पर बड़ा सा एलिवेटेड पार्ट यानी कि फ्लाईओवर बनाएंगे। अभी दिखाता हूँ, वहाँ पर फ्लाईओवर का काम भी किया जा रहा है, मतलब फ्लाईओवर बनाने से पहले जो पिलर बनाते हैं ना उसका काम किया जा रहा है, तो वो भी दिखाता हूँ भाई आपको। तो ये वो रोड है दोस्तों जिसको कि ये क्रॉस कर रहा है, फतेहपुर रोड है, और एक्चुअली ये स्टेट हाईवे है जिस स्टेट हाईवे को इसे क्रॉस करना है। फिलहाल अगर आप देखोगे तो स्टेट हाईवे है तो एक ही लेन का, लेकिन भविष्य में अगर इस स्टेट हाईवे को 6 लेन का भी करना हुआ तो आसानी के साथ किया जा सके। इसी वजह से देखोगे तो पिलर जो है ना अच्छी खासी दूरी पर बनाई गई है, ये यहाँ पर पिलर्स बनाए गए हैं, और दूसरे ये जो इलेक्ट्रिसिटी का खंभा देख रहे हो ना इसके आगे जो मिट्टी देख रहे हो जहाँ पर, वहाँ पर बनाया जाएगा ताकि यहाँ पर स्पेस रहे अच्छा खासा, क्योंकि भविष्य में अगर लेन ऐड करना हुआ इस स्टेट हाईवे पे तो किया जा सके। तो इसी वजह से यहाँ पर पिलर इतने दूर देख रहे हैं कि वो मिलते हैं आपको। राइट हैंड साइड की तरफ देखोगे जिधर से मैं आया हूँ, तो इधर अभी पिलर निर्माण का जो कार्य है वो आपको नहीं दिखेगा, अभी तो फिलहाल फाउंडेशन वर्क का ही काम हुआ है, लेकिन इस तरफ जब आप NH44 जलंधर की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर दिखेगा कि पिलर बनकर तैयार हो चुका है। अब तैयारी की जा रही है पिलर कैप की, जी हाँ, और इससे आगे होते हुए फिर ये आगे NH44 को कनेक्ट कर जाएगा, लेकिन मैं कनेक्ट नहीं करने वाला हूँ, मैं तो आगे से आपको दिखाने वाला हूँ, अलाइनमेंट से नहीं जाने वाला हूँ, मैं आपको लेकर चलता हूँ और आगे भी कुछ हिस्सा इसका ज़रूर दिखाता हूँ। चलो चलते हैं। जो स्टेट हाईवे 82 है उसको भी ये क्रॉस कर रहा है, ये जो स्पर है जो कि आपको जलंधर को कनेक्ट करेगा। फिलहाल इसके ऊपर देखोगे तो पिलर निर्माण का जो कार्य है वो किया जा रहा है, और इस तरफ है जो कि है जलंधर को कनेक्ट करेगा ये NH44 को, और इस तरफ है जिधर से मैं आया हूँ।
यहाँ पर पिलर तो पूरी तरीके से बनकर तैयार है, पिलर को कनेक्ट करने का काम किया जाएगा दोस्तों। तो ये था अपडेट दोस्तों दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का, जिसके बन जाने के बाद हमारा आपका बहुत सारा टाइम सेव होने वाला है दिल्ली से पंजाब जाने के लिए और साथ ही साथ दिल्ली से कटरा जाने के लिए। तो जितना एक्साइटमेंट आपको हो रहा है इस एक्सप्रेसवे को यूज करने के लिए, उतना मुझे भी हो रहा है, क्योंकि पंजाब आना किसे पसंद नहीं है, है ना। चलो इसी नोट के साथ आज के इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं, मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद। और मेरे भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इससे क्या ना बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है अगर नहीं किया है तो, और कर दिया तो थैंक यू सो मच। और वैसे भी पंजाब में और भी कंस्ट्रक्शन का काम हम और आप देखने वाले हैं, तो चलिए सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलता हूँ जल्दी आपसे।